मेरा नाम डॉक्टर असद इस्लाम है. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड देन आई वेंट टू यूके फॉर माय मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग. आई रिमेन्ड देयर फॉर 7 years, देन केम बैक इन 1996. अनफॉर्चुनेटली पावर्टी या गुर्बत हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है. वी आर ऑलमोस्ट 23-24 crore पीपल एंड हमारी जो बाइंग पावर है वो बहुत ही पुअर है. तो इकोनॉमिक्स आर अ बिग इशू. माई हार्ट ब्लीड्स वेन माई वार्ड बॉय हु ओनली हैज़ अ पे ऑफ 16-17 thousand कम्स कि जी मेरे वाले साहब की एंजियोग्राफी कर दें जो कि तकरीबन 25,000 की होती है. अब वो कहाँ से करें. उसके बाद जब स्टेंट डालने का वक्त आता है तो स्टेंट 60-70 thousand का तो सिंपल स्टेंट होता है, बाकी चीज़ें अलहदा हैं. वो अपना चूल्हा चलाए या ये काम करे. सो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल. अगर हम लोकली इंडिजिनसली प्रोड्यूस स्टेंट यूज़ करेंगे आई डोंट थिंक सो दे विल बी मोर देन 20-30 thousand रुपीज़ मैक्सिमम. और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हम सोचें कि कितनी ज़्यादा लोगों का भला हो जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन कितना कम हो जाता है. देन अभी ये कोरोना का आया हुआ था सिलसिला, वी हैड इशूज़ रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट. इक्विपमेंट आ ही नहीं रहा था, वहाँ से भेजा नहीं जा रहा था, यहाँ से क्लियर नहीं किया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही थी, वी वर स्ट्रगलिंग. सो अगर लोकल होगा तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा. कितने लोगों का दिल से दुआएं निकलेंगी हमारे लिए, वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगे. और यही चीज़ इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज कर रही है कि वो हमें स्टेंट्स प्रोवाइड कर रही है, हमें बैलून्स प्रोवाइड कर रही है जो लोकली प्रोड्यूस्ड हैं और इंशाल्लाह गुड क्वालिटी के भी होंगे. तो जूं जूं हम यूज़ करेंगे लोगों का भला होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और हमें दुआएं मिलेंगी और हमारे काम में बरकत होगी. तो ये हमारा दिल से ख्वाहिश है कि ये चीज़ आगे आए ताकि हमें बाहर के चीज़ों पर रिलायंस ही ना करनी पड़े और हम लोकली प्रोड्यूस चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा. प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग. ठीक है ना, अगर चीज़ अच्छी होगी, मुझे मिलेगी, सस्ती मिलेगी तो मैं यूज़ करूँगा और अगर मेरे रिजल्ट्स रीज़नेबल होंगे तो मैं क्यों नहीं अपनी चीज़ को प्रेफर करूँगा.